नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं टेक सिंह। सो दोस्तों, आजकल मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ गूगल पिक्सल 3 और 3 एक्सएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वही फ़ोन है जिसकी आपको प्री प्रोडक्शन यूनिट्स की अनबॉक्सिंग मिली होगी, कहीं पर देखी होगी। तो आज हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप मौसम से पहले स्पेसिफिकेशंस पर ध्यान दीजिए। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपने कर दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों, पहले हम पिक्सल 3 की जो है पिक्सल 3 की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसकी स्क्रीन होने जा रही है 5.5 इंच। ये र्यूमर्ड है दोस्तों, कुछ मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। 5.5 इंच या 5.4 इंच जो है इसकी स्क्रीन होने जा रही है, और डुअल कैमरा होने जा रहे हैं फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल के, और बैक कैमरा जो होने जा रहा है वो 12 मेगापिक्सल का होने जा रहा है। स्नैपड्रैगन का 845 वाला प्रोसेसर होने जा रहा है, और इंटरनल स्टोरेज 64 GB या 128 GB होने जा रही है। 6 GB रैम भी होने जा रही है, ठीक है दोस्तों। और जो है इसकी बैटरी होने जा रही है करीब 2980 यानी कि 2980 mAh की बैटरी होने जा रही है। 3000 के लगभग इसकी बैटरी होने जा रही है। सो दोस्तों, अब आप इसकी जो है इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, गूगल पिक्सल 3 की इमेज है ये, ठीक है दोस्तों। चल सो दोस्तों, अब जो इमेज आने जा रही है अब मैं आपको गूगल पिक्सल 3 एक्सएल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। फ़र्क क्या है वो मैं आपको एंड में बता दूँगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन 6.7 इंच के करीब इसकी स्क्रीन होने जा रही है, काफ़ी बड़ा होने जा रहा है मोबाइल, और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 8 मेगापिक्सल के जो है 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, रियर कैमरा, और 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा, 3600 के करीब इसकी बैटरी, 3500 mAh के करीब इसकी बैटरी होने जा रही है, और स्नैपड्रैगन का 845 वाला ही प्रोसेसर होने जा रहा है, और 6 GB की ही रैम होने जा रही है 64 GB और 128 GB वाली वेरिएंट से। एक तो इसमें मेनली स्क्रीन का जो है डिफरेंस है पिक्सल 3 और पिक्सल एक्सएल में। अब आप जो है पिक्सल जो है 3 एक्सएल की इमेज देखिए, ठीक है, अब फ़र्क पता चल गया दोस्तों। सो दोस्तों, बेसिकली क्या है, पिक्सल 3 जो है और पिक्सल एक्सएल है, इनकी जो है इनमें नॉच डिस्प्ले का फ़र्क है, ठीक है दोस्तों। जो पिक्सल 3 एक्सएल है उसमें नॉच डिस्प्ले है, और जो 3 है उसमें कोई नॉच डिस्प्ले वगैरह नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी जो है इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।